दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लेजेंड क्रिकेट टीम लीग में इंडिया महाराजा ने अपने पहले मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिसके बाद दूसरे मुकाबले में भी पहली पारी में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वर्ल्ड जेंट्स के सामने 20 ओवरों के 210 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा, जिसमें भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने तूफानी अंदाज में शतकीय पारी खेलते हुए वर्ल्ड जेंट्स गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और अपनी इस पारी के बाद उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बयान देकर सभी का दिल जीत लिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कहा नमन ने जाने भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नमन ओझा और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है, जिसमें टीम इंडिया के प्रशंसक बेहद निराश नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत के रिटायर हो चुके क्रिकेटर इंडिया महाराज की तरफ से धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए टीम इंडिया के प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि दूसरे लेजेंड क्रिकेट टीम के मुकाबले में इंडिया महाराजा की तरफ से खेलते हुए टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 69 गेंदों में ही 140 रनों की पारी खेलते हुए धमाकेदार शतक लगाया, जिसमें उन्होंने 15 ताबड़तोड़ चौकों के साथ साथ 9 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और उन्होंने वर्ल्ड जेंट्स के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया महाराजा के कप्तान मोहम्मद कैफ ने भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए बेहतरीन अर्धशतक लगाया, जिसमें उन्होंने एक चौके के साथ साथ 3 बेहतरीन छक्के भी लगाए। वहीं दोस्तों अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बाद नमन ओझा ने टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बयान देते हुए सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिल जीत लिए। और जी हां दोस्तों, नमन ओझा ने महान कप्तान धोनी के बारे में बयान देते हुए कहा है कि मैंने धोनी भाई से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरीके से वो क्रिकेट के पीछे सतर्क रहते हैं, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं उनसे ही मुझे मैच फिनिश करने की कला भी सीखने को मिली। मेरी जिंदगी में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैंने इंडिया लेजेंड की तरफ से अगर ताबड़तोड़ शतक लगाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण योगदान धोनी भाई का रहा है। वहीं दोस्तों उन्होंने अपना बयान देते हुए जारी रखते हुए कहा है कि माही भाई जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो हर खिलाड़ी को आगे बढ़कर सपोर्ट किया करते हैं और उनके जैसा क्रिकेट का नॉलेज मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। दोस्तों जिस तरीके से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के बाद नमन ओझा ने भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का उनकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतनी बेहतरीन पारी खेली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नमन ओझा अगले मैच में भी अपनी जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।